लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल भाई को और सुनील तटकरे साहब को भेजा था, और फिर नेक्स्ट टाइम भी सभी जो संसद मेंबर है जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं उनकी एक मीटिंग थी, एनडीए के सभी नेताओं की एक मीटिंग थी, वो मीटिंग के लिए अपने सेंट्रल हॉल में वो मीटिंग हुई, आपको सबको पता है, और उसमें सब एनडीए के घटक पक्षों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में तीसरी दफा की जिम्मेवारी मोदी साहब के ऊपर दे दी और वो कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद आज हम वोट सेरेमनी के लिए आए हैं। एक बात सही है कि दोपहर को मुझे पता चला कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस जी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हमारी महायुति के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है, हमें कल रात को कांटेक्ट किया था, उससे पहले हम सब राजनाथ सिंह जी, अमित भाई और नड्डा जी इनके साथ एक हमारी मीटिंग भी हुई। हमारे थोड़े बहुत महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पूरे देश में हुए लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई, और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और राज्यसभा का एक मेंबर है, लेकिन दो तीन महीने में हमारे राज्यसभा के टोटल तीन मेंबर होने वाले हैं और लोकसभा के खुद सुनील तटकरे साहब है, ऐसा टोटल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेंबरों की सदस्य संख्या पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में चार होने जा रही है राज्यसभा और लोकसभा पकड़ के, तो हमें एक सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हमारी बात हुई है। वो बोले ठीक है आपका कहना सही है, लेकिन उसके बाद कल उनका हमें मैसेज आया कि हम इंडिपेंडेंट चार्ज जैसा हमारे शिंदे साहब की पार्टी को दिया है वैसा एक मेंबर लेना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है, पूरे देश को पता है, प्रफुल्ल पटेल साहब उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफा सेंट्रल में काम किया है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो बोले ठीक है, और फिर उन्होंने जो ऑफर की थी इंडिपेंडेंट चार्ज की वो हमने नकार दी। ऐसा जो भी कल से बात हुई उसके बारे में ये सब हुआ है, और आज अभी 7:15 को मेरे ख्याल से सबको वोट सेरेमनी के लिए बुलाया है, इसमें हम भी जा रहे हैं एज ए एनडीए के मेंबर के नाते।